पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। पराजय और प्रयास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं महाराज। जिस व्यक्ति के अंदर प्रयास जीवित है उसके लिए कोई भी पराजय अंतिम नहीं। यदि आप अब भी मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे सुझावों का पालन करें और मन कर्म वचन से अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, तो मैं विजय श्री को फिर से आपका वरण करने के लिए विवश कर सकता हूं। और जो कुछ भी आपने खोया है वो सब कुछ और उसके अतिरिक्त बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो भूल की है उसे मैं फिर नहीं दोहराऊंगा गुरुदेव। आपके हर सुझाव का आदेश की तरह पालन करूंगा, आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा मैं। असुरों को उनका अधिकार दिलवा कर रहूंगा मैं। महाराज बलि की जय! महाराज बलि की जय! महाराज बलि की जय! महाराज बलि की जय! प्रभु, माँ, न जाने मेरे मन में भावनाओं का जोहर उमड़ रहा है। एक ओर तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ, परंतु दूसरी ओर मैं दुखी भी हूं कि अब हमारा कार्य समाप्त हो गया। प्रभु माँ सदैव कहती थी कि जिसका मन एक बार प्रभु विष्णु की भक्ति में रम जाए फिर और कहीं नहीं लगता। माँ के इस कथन कांड आज से पहले मैं कभी समझ नहीं पाया था प्रभु, परंतु अब वैकुंठ में रहते हुए यथासंभव आपकी सेवा करते हुए जिस आनंद का अनुभव मैंने किया है उसका वर्णन करना असंभव सा लगता है। एक और तो मुझे यह लगता है कि मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं कभी ना जाऊं, परंतु तुरंत मेरा मन यह भी कहता है कि मैं अपनी मां को भी अकेले नहीं छोड़ सकता। और विशेष रूप से तब जब बड़ी मां के कारण प्रतिदिन प्रतिक्षण वो यातना और अपमान का जीवन जीने के लिए विवश है। भावनाओं का ज्वार केवल तुम्हारी नहीं, मेरे मन में भी उठ रहा है गुरु। जानती हूं तुम्हें अपनी मां के पास जाना आवश्यक है, किंतु तुम्हें यहां से भेजने का मेरा तनिक भी मन नहीं है। आशा की किरण की तरह मिले थे तुम मुझे जब मैं स्वामी के प्रतीक्षा में व्याकुल थी। तब मेरी आशा को सत्य में बदलने में तुमने तनिक भी कमी नहीं की थी। समुद्र मंथन जैसे विराट कार्य को सफल बनाने में तुम्हारा अद्भुत योगदान है करुण। देवी लक्ष्मी सत्य कह रही है गरुड़, पर स्मरण रहे जीवन में कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज देवी विनता को तुम्हारी आवश्यकता है, इससे तुम वैकुंठ और हमें छोड़कर जा रहे हो, पर शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे।
माँ को मेरा प्रणाम कहना। आज्ञा दीजिए प्रभु। माँ करुण, क्या हुआ? अभी कुछ ही समय पहले तुझसे मिलकर आ रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जाने कब से नहीं देखा तुझे। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ माँ। आपके आंचल की छाव में जो सुख है वो और कहीं नहीं है। बस कर, अब अधिक बातें मत बना। तुझे देखकर ही पता चल रहा है तू यहाँ आ तो गया है पर अपने मन का एक भाग वैकुंठ में ही छोड़ कर आया है। सच बता, वहां की स्मृति सता रही है ना तुझे? आपको सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है माँ? केवल मुझे ही नहीं, इस संसार की हर माँ को अपनी संतान की मन की दशा पहले ही पता चल जाती है। आ गया तू? प्रणाम महारानी। कहाँ है? तू रिक्त हाथों से क्यों आया है? मेरे भाग का अमृत क्यों नहीं लाया तू? तेरी समुष्टि देवताओं ने वचन दिया था ना, यदि वासुकी ने अमृत मंथन में सहायता की तो मेरे पुत्रों के भाग का अमृत उन्हें अवश्य मिलेगा। तो फिर अमृत कहाँ है? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।